कौमी फुटबॉल टीम गैर मुल्की प्रवास के जरिए खटमंडू से कराची पहुंची, जहां उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। नौजवान कौमी स्टार्स पर फूलों की बारिश की गई, जबकि फुटबॉल लवर्स ने कौमी कप्तान को कंधों पर उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कौमी कप्तान का कहना था कि भारत को शिकस्त देकर जीत का मजा दोबाला हो गया, फतह कौम के नाम करता हूं। हम अपने मुल्क को ये टाइटल 14 अगस्त का तोहफे के तौर पर देना चाहते हैं। फातेह टीम के कोच हसन बलोच और कप्तान मुनीर अहमद ने फतह के साथ साथ हुकूमत से अपील की कि वो क्रिकेट और हॉकी की तरह हमारी कामयाबी को भी सराहे। यही क्रिकेट की टीम दो दफा इंडिया को जीतती ना, तो मेरे ख्याल में उनको करोड़ों रुपए के इनाम मिलता था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में फुटबॉल की पजीराई नहीं है। ये अगर क्रिकेट टीम होते जैसा कि मेरे सर ने कहा, हॉकी टीम होता तो उनके लिए करोड़ों का ऐलान होता। हम यही चाहते कि हमारे लिए भी कुछ ऐलान करे ताकि हमारा और जज्बा बढ़ जाए। सदर वजीर आजम से हम यही अपील करेंगे। मुनीर अहमद के वालदेन इस मौके पर फूले नहीं समा रहे थे, जिनका कहना था कि उनके बेटे ने उनके सारे ख्वाब सच कर दिखाए। उन्हें फखर है कि मुनीर ने पाकिस्तान का परचम भारत के खिलाफ फतह की सूरत में बुलंद किया। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं बयान कर सकूं, इतना खुशी हो रहा है कि पूछो मत। बस अल्लाह ताला ने इज्जत दी मेरे बेटे को, ये मिले बहुत ही बस खुशी का बात है। खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन करके आया है। 22 खिलाड़ियों और 4 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल कौमी अंडर 16 फुटबॉल टीम एक रात कराची में क्याम के बाद लाहौर रवाना होगी। कैमरामैन नोमान सईद के हमराह शुएब अहमद, वक्त न्यूज़ कराची।